स्वराज एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ मिश्रा। बात छत्तीसगढ़ से जुड़ी करेंगे, जहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एक दिन से दौरे पर दिल्ली में हैं, जहाँ आज से वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं से चर्चा करेंगे और दिल्ली में प्रदेश में कांग्रेस संगठन के विस्तार और निगम मंडलों की सूची पर चर्चा संभव है। और इसके बाद मुख्यमंत्री बघेल आज रात 9 बजे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ लौट आएंगे। तो एक दिन से दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ वैभव शिवपानी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज, कैसा उनका ये दौरा रहने वाला है और साथ में अधिकारियों के साथ में वो चर्चा करेंगे, तो क्या वो खास मुद्दे रह सकते हैं चर्चा के? देखिए बुशरा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह दौरा संगठन और सत्ता के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं और उससे पहले जो छत्तीसगढ़ में जिस तरह की तैयारियां होनी है और जिस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, उन तमाम विषयों पर आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी बातचीत होगी। साथ ही सत्ता और संगठन में जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां होनी है, जिसको लेकर के पिछले दिनों पीएल पुनिया की मौजूदगी में जो बैठक हुई थी, वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर बातचीत होगी। और उसकी जो रिपोर्ट है, जो अभी हाल में मुख्यमंत्री निवास में जो बैठक हुई थी वरिष्ठ मंत्रियों और नेताओं के साथ, तो वो विषय रहेंगे जिस पर एक लंबी बातचीत वहाँ पे आला कमान के नेताओं से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। क्योंकि काफी लंबा वक्त बीत चुका है निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर के, तो ऐसे में जल्द से जल्द सूची जारी करना है सरकार की तरफ से। तो चूंकि 17 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, तो उससे पहले ये सूची आ जाए, ये कोशिश है। और यही वजह है कि आज जो मुलाकात होगी उसमें ये बातचीत होगी, फिर जब वो दिल्ली से लौटेंगे राजधानी रायपुर और इसी सप्ताह में जब एक और बैठक होगी उसमें लगभग सूची को फाइनल कर दिया जाएगा और सिर्फ एक औपचारिकता रह जाएगी जारी करने को लेकर के। साथ ही एक महत्वपूर्ण जो विषय है वो है संगठन को लेकर के, जो ब्लॉक और जिला लेबर पर जो नियुक्तियां होनी है, जिसमें ये कहा गया है कि 2023 के मद्देनजर ये नियुक्तियां की जाएगी, यानी ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी जो कि 2023 के लिहाज से गांव-गांव जाकर के काम कर सके, सरकार की जो योजना है उनका बेहतर तरीके से वो क्रियान्वयन करवा सके। तो ये विषय हैं जिन विषयों को लेकर के आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिलने जा रहे हैं। कोशिश होगी कि राहुल गांधी से भी जो है भूपेश बघेल की मुलाकात हो जाए, हालांकि अभी इसको लेकर के कोई स्पष्ट जो है जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि मुलाकात की संभावना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के हितों को लेकर के, विकास को लेकर के लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। आज ही उन्होंने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखा है जिसमें धान के जो उपार्जन है और कस्टम मिलिंग की जो समस्या रहती है उसको लेकर के भी उन्होंने पत्र लिखा है और कहा है कि समय पे अगर जी इसको लेकर के और भी अपडेट्स हम आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए वैभव। दिल्ली दौरे पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में संगठन पर चर्चा हुई है, आने वाले दिनों में जल्द ही निगम मंडल के लिए बैठक होगी और जिसके बाद लिस्ट फाइनल करके आला कमान को अंतिम सहमति के लिए भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। वरिष्ठ जनों से मीटिंग हुई है और मैं समझता हूँ संगठन को मजबूत करने के लिए ये जरूरी पहल थी, इसको सब लोगों ने मिलकर किया है और सर्वसम्मति से ये फैसले हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। सीएम ने पत्र में प्रदेश के सरप्लस धान के एथेनॉल उत्पादन के लिए केंद्र से अनुमति मांगी थी, जिसके बाद केंद्र ने भारतीय खाद्य निगम में उपलब्ध सरप्लस चावल से एथेनॉल उत्पादन की अनुमति दे दी। छत्तीसगढ़ में हर वर्ष किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बाद राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता और भारतीय खाद्य निगम को चावल देने के पश्चात हर वर्ष लगभग 6 लाख मीट्रिक टन
सरप्लस धान बचता है और इसी बचे हुए धान से राज्य के आर्थिक संसाधनों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। राज्य के उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची में जैव ईंधन शामिल है। जैव ईंधन उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया गया था। बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापना के लिए 4 निजी निवेशकों के साथ सरकार ने AMU साइन किया है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां प्रदेश में एक ही दिन में कोविड 19 के 1648 मरीजों की पुष्टि हुई है। एक ही दिन में 21 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना से अब तक 2919 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक ही दिन में 161 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। 840 लोगों ने होम आइसोलेशन कंप्लीट किया। कुल 1001 मरीज रिकवर भी हो गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों का ओवरऑल आंकड़ा बढ़कर 2,40,863 पर पहुंच गया है। वहीं कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 19,749 है। छत्तीसगढ़ में अब तक 2,18,195 लोग कोरोना से जीत चुके हैं अपनी जंग और 86,512 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। 1,31,683 लोगों ने होम आइसोलेशन पूरा किया है। छत्तीसगढ़ सरकार अब होनहार बच्चों का भविष्य संवारेगी। जहां नेटवर्क और अन्य तकनीकी कारणों से नीट क्वालिफाई होने वाली जिन बच्चों ने काउंसलिंग के लिए अपना पंजीयन नहीं करा पाए थे, उन्हें सरकार ने निजी कॉलेजों में पेमेंट सीट पर प्रवेश दिलाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि MBBS के लिए निजी कॉलेजों के पेमेंट सीट में बच्चों को राज्य सरकार के खर्च पर दाखिला दिलाया जाएगा। वहीं CM ने कहा है कि बस्तर के आदिवासी बच्चों का साल खराब नहीं होने के चलते ये निर्णय लिया गया है। और आपको बता दें कि दंतेवाड़ा जिले में 27 होनहार छात्र छात्राओं ने नीट क्वालिफाई किया है। ये फैसला लिया गया कि उन बच्चों को भी उनका वर्ष खराब ना हो और उनको अवसर मिलना चाहिए। वैसे भी बस्तर में बड़ी मुश्किल से शिक्षा प्राप्त करते हैं और कठिन परिस्थिति में वो यदि क्वालिफाई हुए हैं और केवल सूचना के अभाव के कारण उसे एडमिशन नहीं हो रहे हैं, इसलिए फैसला लिया गया। बिल्कुल, मैं कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए।